फ्रंट कैमरा का रिजल्ट बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। इससे अच्छा रिजल्ट जो है वो 25-30 हज़ार वाले फोन में आपको मिल जाता है। दोस्तों ये है रियलमी C65 जो कि 8 GB रैम और 256 GB मेमोरी में पाकिस्तानी मार्केट में रियलमी ने लॉन्च किया है। दो कलर्स के अंदर, एक ये पर्पल कलर है, एक इसके अंदर ब्लैक कलर आता है। और आज मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू करने वाला हूँ आप लोगों के साथ कि आप लोगों ने 50 हज़ार रुपए की रेंज में इस फोन को बाय करना है या नहीं करना है। वीडियो के एंड में आपको आइडिया हो जाएगा इस फोन की स्पेसिफिकेशन को देखकर कि आप लोग इस फोन को बाय करेंगे या नहीं करेंगे, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो जल्दी से फोन को नजदीक ले आओ, इसकी जरा हम बैक वगैरह चेक करवाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे प्लास्टिक बैक मिल जाती है आपको और ये 50 MP का डबल कैमरा सेटअप है। सही आ रहा है जी, इसका बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। और इसके साइड पे आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, टाइप सी का चार्जिंग जैक है, सिंगल स्पीकर है, लेकिन क्वालिटी जो है वो इस फोन की काफी ज्यादा अच्छी है। तो फाइनली फोन को फिंगरप्रिंट से कर लेते हैं अनलॉक। और फ्रंट पे आपको 6.7 इंच का एक IPS डिस्प्ले मिल जाता है। यहाँ पे 90 Hz रिफ्रेश रेट है और आपको Realme UI 5.0 UI वर्जन भी आपको मिल जाता है यूज करने को, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर आपको जो कैमरा है बैक पे 50 MP का, इसका भी रिजल्ट चेक करवाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये फोन जो है वो प्रोसेसर G85 में आता है। हीलियो G85 इस टाइम जो है वो 25 हज़ार वाले फोन में भी आ रहा है, 35 हज़ार वाले फोन में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो ये एटलीस्ट G99 इसका होना चाहिए था। 50 हज़ार रुपये का प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ 256 GB मेमोरी देने से कुछ नहीं होने वाला। तो खैर, इसके बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा से मैंने पिक्चर क्लिक की है, आप लोग देख के बताइएगा कि आपको कैसी लगी, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये इसके फ्रंट कैमरा से बनाई गई है पिक्चर, 8 MP का सेल्फी कैमरा है। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं कि ये कैसा है, आपको पहले बैक कैमरा की पिक्चर चेक करवाता हूं। तो यहाँ ये 50 MP कैमरा की पिक्चर है, क्लियर आ रही है जी। ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर रिजल्ट है इसके बैक कैमरा का। फ्रंट कैमरा का जो प्रोग्राम है वो बढ़ गया है, क्योंकि फ्रंट कैमरा का रिजल्ट बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। इससे अच्छा रिजल्ट जो है वो 25-30 हज़ार वाले फ़ोन में आपको मिल जाता है। बिकॉज आजकल सेल्फी का ज़माना है, तो सेल्फी भी एटलीस्ट 16 MP या 32 MP होनी चाहिए थी। इसके बाद आते हैं इसकी बैटरी पे, 5000 mAh की बैटरी दी गई है। अगर देखा जाए दूसरी तरफ वीवो की तरफ, तो वीवो ने भी अभी लेटेस्ट एक मॉडल लॉन्च किया है Y28 जो कि 6000 mAh बैटरी प्रोवाइड करता है। इसके साथ आपको आता है 45 वाट का चार्जर फास्ट चार्जिंग के लिए। तो अब आप इस फ़ोन को 50 हज़ार रुपये के बजट में ख़रीदना चाहेंगे या नहीं ख़रीदना चाहेंगे, ये अब आप बताइएगा। थोड़ा सा मैं इसमें एडिंग कर देता हूँ कि आप इसमें बहुत अच्छी गेमिंग नहीं कर सकते, ना आप इसमें प्रॉपर व्लॉगिंग कैमरा इसमें दिया गया है, ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों ही, ठीक है। और इसके बाद जो है ये इसमें IP54 की आपको वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी मिल जाती है। इसका टेस्ट मैंने अपने TikTok ID पे किया है, वहाँ पे जाके आप लाजमी देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।